यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत अवैध गोमांस ले जाने की गोपनीय जानकारी से पुलिस ने एक ट्रक को रोककर इन व्यापारियों का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने चालक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच की जा रही है। वादी अवैध व्यापार की तलाश में थाना परिसर में गश्त कर रहा था। एक गोपनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गोवंश नस्ल के जानवरों से लदा एक 10 पहिया ट्रक तस्करी कर लाया जाएगा। इस सूचना के आधार पर राजीव गांधी नगर पुलिया के नीचे जाल बिछाया गया और 6 जुलाई को ट्रक को संदिग्ध रूप से पास आते देखा और उसे रोककर सड़क के किनारे ले जाया गया। ट्रक टाटा कंपनी का था और ड्राइवर के पास 2 ISM थे। ट्रक चालक व उसके साथियों से नाम व पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम शेख मोहसिन उर्फ गोलू शेख नासिर बताया और उसके साथ 2 और लोग थे। उनके नाम मंजर कमाल बेग और अरविंद भजनदास डहाट बताया गया। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वो क्या ले रहे हैं तो उन्होंने गाय और बछड़ों को कत्ल के लिए ले जा रहे हैं ऐसा कबूल किया। जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें गायों और बछड़ों को बेरहमी से कुचलकर भर दिया गया था। ट्रक को जब्त कर धंतोली गोरक्षण केंद्र नागपुर भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। दिनांक 6/7/22 के पहाटे 1:30 दरम्यान आम्हाला अशी माहिती मिळाली की एक ट्रक आहे, त्याचा क्रमांक आहे MH 31 DS 1393। यामधून जनावरांची, गोवंश जनावरांची अवैध वाहतूक करून त्यांना कत्तलीकरता नेण्यात येणार आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही राजीव गांधी पुलियाच्या खाली दबा धरून बसलो आणि जसा तो त्या क्रमांकाचा ट्रक आला, ट्रकला थांबवून ट्रकची पाहणी केली असता त्यामध्ये आम्हाला गोवंश आढळून आले। नंतर त्या गोवंशाला सुरक्षित ठेवण्याकरिता गोरक्षण संस्था दंतोली येथे त्यांना आणण्यात आले। 35 गोवंश जनावरे मिळून आली ज्यांची किंमत 3,44,000 रुपये आहे आणि 1 ट्रक जो 10 चक्का ट्रक आहे त्याची किंमत जवळपास 20 लाख, असा 23,44,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही 6 तारखेला जप्त करतो।